जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। SSC CGL में पूछे गए इंग्लिश के ये जो सोल्यूशन का सीरीज चल रहा है, ये सेट नंबर 13 है। और पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द राइडर हु मेट विथ एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट द पुलिस। देखिए, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे मेट विथ एक्सीडेंट दिया गया है, जबकि ये गलत है, एन एक्सीडेंट होता है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द राइडर हु मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग एन हेलमेट। देखिए, हेलमेट में यहाँ पे एन हेलमेट नहीं होगा, अ हेलमेट होगा, है ना, ये होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, अ राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग द हेलमेट एन पुलिस सेड। देखिए, एन पुलिस नहीं होगा यहाँ पे, या तो अ पुलिसमैन हो सकता है, नहीं तो केवल द पुलिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, सी ऑप्शन। अब जब ए बी सी तीनों गलत है, यानी डी जो है वो सही है। द राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट द पुलिस सेड। देखिए, इस सेंटेंस से ऐसा पता मालूम पड़ता है कि पहले ही इस एक्सीडेंट का जिक्र हो चुका है, यानी कि जो राइडर, जो चालक था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पुलिस वालों ने कहा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको एडियम का मीनिंग बताना है, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी वो कोई पर्सन जिसमें बोलने की कला हो, स्पीच देने की कला हो। ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। देखिए, गैप का मतलब जो होता है, गैप का मतलब होता है चैट, बात करना, स्पीक बोलना, टॉक। ठीक है, इसे आप याद करते हैं, वो व्यक्ति जिसको गिफ्ट में, उपहार में मिला है बात करने की कला, यानी बोलने की कला, तो गिफ्ट ऑफ द गैप, स्पीच, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको होमोनिम फिल करना है। तो फिल करेक्ट होमोनिम। तो होमोनिम का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है। देखिए, वो वर्ड होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम होता है, पर उनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे साइट, इन सारे वर्ड जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन सबका प्रोनाउंसिएशन साइट होता है, पर इन सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है फिगर में। आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स ऑफ कंपेरिजन। आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स ऑफ कंपेरिजन। देखिए, सबका, इन सब में देखिए, यहाँ पे जो साइट है, इस साइट का मतलब होता है चर्चा करना, विवरण देना, किसी चीज को रेफर करना। किसी चीज के बारे में बताना, जैसे कोई बुक हो, पैसेज हो, रिफरेंस देना, उसको साइट बोलते हैं। ये साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल, कार्यस्थल, वर्क प्लेस, कंस्ट्रक्शन प्लेस, जहां पे कोई चीज का निर्माण हो रहा होता है उसे साइट बोलते हैं। इस साइट का मतलब होता है दृश्य या एबिलिटी टू सी, इसको ये बोल सकते हैं अ व्यू। इसका ये भी होता है एबिलिटी टू सी। फिगर्स ऑफ कंपेरिजन मतलब मैं कुछ तुलनात्मक उदाहरण दूंगा। तो यहां पर क्या कर रहा है, विवरण दे रहा है चीजों को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी की मीनिंग हमने बता दी है। ये साइट होता है कार्य स्थल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन चार नंबर है। इसमें सेंटेंस को तीन सेगमेंट में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है कि किस सेगमेंट में एरर है। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच। आई एम सॉरी, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डू नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब यहां पर अब पार्ट नंबर 3 में देखेंगे, एंड डू नॉट फिनिश टिल 3 PM। माई फिजिक्स क्लास जो कह रहा है कि
क्या आप लंच ज्वाइन करना चाहते हो? तो कोई सामने वाला पर्सन बोलता है, सॉरी मैं नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM। मेरी फिजिक्स की जो क्लास है वो 1 बजे स्टार्ट होगी और वो 3 बजे खत्म हो जाएगी। तो जो फिजिक्स की क्लास है उसके लिए यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो उसके लिए यहाँ पर आपका डोंट फिनिश की जगह डज नॉट फिनिश आएगा। क्या आएगा? डज नॉट फिनिश, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोंट फिनिश की जगह डज नॉट फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है, इसमें टेडियस का सिनोनिम बताना है। टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, थकाने वाला कोई चीज। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टायरसम। टायर का मतलब क्या होता है? थकना, टायर्ड। टायर्ड मतलब क्या हुआ? थका हुआ, जिसे मना है टायरसम, वो कोई चीज जिससे जो थकाऊ हो, उबाऊ हो, जिसे करके आप थक जाते हैं, उसके बाद आपका मन नहीं करता, तो उसे टायरसम बोलते हैं। तो टेडियस उबाऊ। होलसम का मतलब होता है लाभदायक, प्रॉफिटेबल, हेल्थ के मामले में। लुक्रेटिव भी होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का मतलब जो चीज बार बार रिपीट करे। थ्री स्कोर का मतलब होता है 60। देखिए स्कोर का मतलब होता है 20 और 3 का मतलब 3, तो यह जाता है 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है काम डाउन का। काम डाउन का मतलब शांत होना। काम डाउन का मतलब क्या होता है? शांत करना है, शांत होना। तो ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन एवी बिट, उसे अभी शांत होने की जरूरत है। तो आपको एंटोनिम बताना है। शांत होना का एंटोनिम हो जाएगा किसी को भड़काना, उकसाना, है ना। तो एजिटेट आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, एजिटेट का मतलब उकसाना होता है, भड़काना होता है। डिसिपेट का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, दोनों होते हैं इसका मतलब, गायब या डिस्ट्रॉय। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। द बेनिवोलेंट गेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। बेनिवोलेंट का मतलब यहां पर होता है उदार, दयालु, जो लोगों को पैसे से या किसी चीज से हेल्प करता है, मदद करता है, उसे हम बोलते हैं बेनिवोलेंट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, काइंड, काइंड हार्टेड। मिग्नानिमस होता है। इसके मतलब होता है काइंड हार्टेड। सोमवर का मतलब होता है गंभीर और सोबर, इसका ही मतलब होता है गंभीर, शांत, नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, इसे बोलते हैं सोमवर, शांत। ये सोमवर या सोबर दोनों का मतलब होता है शांत, गंभीर। नंब का मतलब होता है सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आपको इसमें सिनोनिम बताना है। ब्रैकेट में जो वर्ड है ईगर, ईगर का हम इससे पहले क्लास में करवा चुके हैं। ईगर का मतलब है उत्सुक, कीन। राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी काम को करने के लिए एंथुजियाज्म। ही इज वेरी ईगर टू ज्वाइन द एयरफोर्स, वो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, तो कीन। इरक्सम का मतलब होता है इरिटेटिंग, annoying। dubious का मतलब है संदिग्ध, uncertain। keen इसका synonym हो जाएगा
अनकंसर्न्ड का मतलब नॉट केयरिंग, जिसको कोई मतलब नहीं है, इनडिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। आपको इसमें पैसिव वॉइस बताना है, कंपनी है जो अगले मंथ में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इज लाफिंग है वर्ब, तो इसमें हो जाएगा इज बीइंग लाफ्ड। न्यू प्रोडक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो न्यू प्रोडक्ट देखेंगे आपको इसमें ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन अ न्यू प्रोडक्ट आपका सब्जेक्ट केवल ऑप्शन बी में है, अ न्यू प्रोडक्ट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन ए में विल बी है, और ऑप्शन सी की बात करेंगे द लॉन्चिंग सब्जेक्ट बनाया है, द नेक्स्ट मंथ द कंपनी विल लॉन्च, ये इसमें आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गेट इनटू अ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, तो झगड़े में पड़ना, झंझट में पड़ना, यानी प्रॉब्लम में पड़ना, तो इन्वॉल्व इनटू अ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेट इनटू अ स्क्रैप इडियम का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, वो आदमी जो अपने खुद के देश को धोखा देता है उसे हम ट्रेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ट्रेटर, यानी देशद्रोही। पहले क्लासेज में हमने पढ़ा था देशद्रोही, पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब है देशभक्त, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, पैट्रियट देशभक्त और ट्रेटर देशद्रोही। मस्कट का मतलब होता है शुभंकर, आप लोग पढ़ रहे होंगे जीके जीएस में, ओलंपिक का मस्कट होता है कि जैसे ओलंपिक 2000 अगर हम 24 की बात करें तो इसका शुभंकर क्या था, मस्कट, जब किसी चीज का एक शुभ प्रतीक सिंबल उसे मस्कट बोलते हैं। आइकन का मतलब होता है मूर्ति, आइकन का मतलब ही सिंबल होता है। पैरागन किसी पर्सन के लिए यूज होता है जो किसी चीज का प्रतीक हो, किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, जैसे भगवान राम को हम पुरुषों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, पुरुषोत्तम बताते हैं पैरागन, ठीक है, आदर्श, आइडियल बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, आपको पैराजम्बल है इसमें, तो चलिए जो सेंटेंस ए है इसको पढ़ते हैं पहले। बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट वेन वन रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जेनर वन नेचुरली कम्स टू नो अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जेनर। कह रहा है कि लेकिन उसी समय, मतलब सेम टाइम में, यह भी सही है कि जब कोई पर्सन एक प्रकार के सेम प्रकार के किताबें पढ़ता है, कुछ किताबें पढ़ता है, तो नेचुरली समझ जाता है कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है, रफ स्ट्रक्चर उसको आइडिया लग जाता है कि इन प्रकार की किताबों का जो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लिखा जाता है और इनमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, तो चलिए बी पढ़ते हैं। बी कह रहा है कि द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गॉज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स हु ही इज। कह रहा है सस्पेंस जो है, ये जो दुविधा का जो इसेंस सार निकल के आता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, यह कि या तो जो पाठक है, रीडर है, वो पहले ही जान जाता है कि क्रिमिनल को पहले ही डिटेक्टिव लास्ट में जाके बताए कि क्रिमिनल कौन है, जो पाठक है वो पहले ही समझ जाता है कि क्रिमिनल कौन है। अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल एंड डिटेक्टिव फिक्शन इन पार्टिकुलर। यह इस चीज की ओर अग्रसर करता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, किसी लिटरेचर को आमतौर पर समझने के लिए एक अलग प्रकार के अप्रोच को ये बढ़ावा देता है। एंड डिटेक्टिव फिक्शन इज पार्टिकुलर, इनमें से जो डिटेक्टिव फिक्शन होते हैं, डिटेक्टिव आप समझते हैं खोजिए से
इसमें कोई मर्डर वाले केस होते हैं उसमें डिटेक्टिव मतलब खोजबीन करना, रहस्यमय चीजों को, ऐसे पर्टिकुलर इन प्रकार के नॉवेल्स में या लिटरेचर में ये चीज आपको देखने को मिलता है। इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज अ जेनर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स, इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय ए पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। कह रहे हैं कि यदि आपको पहले ही पता चल जाता है कि किसी भी पर्सन को पता चल जाता है जेनर जो लिखने का तरीका है किसी लिटरेचर को एंड इसके स्ट्रक्चर्स को, इसका पैटर्न को एंड इसके रूल नियम रेगुलेशन को, तो यह अक्सर ऐसा होता है कि आपको एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपको पहले ही सब कुछ पता है कि इसमें क्या चीज होने वाला है, कैसे लिखा गया है और क्या इसका पैटर्न है, रूल है, जो कि इन द सेम मैनर वन यूजुअली डज, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप बाकी की बुक को पढ़ के एंजॉय करते हैं। देखिए यहां पर जो डी है सेंटेंस, ये एक स्टार्टिंग, ये चीजों को एक स्टार्ट करता है कि जो जो जेनर होते हैं, जो अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगी किसी बुक को लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, तो आपको पता पहले से ही पता है कि इसमें क्या क्या आगे होने वाला है, तो फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है, है ना, ये चीज कहना चाहते हैं। फिर ऑप्शन ए को जब देखेंगे, बट एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय पर, यहाँ पर डी जो है, डी के बाद ये तो आपको फिक्स होगा कि डी पहले होगा क्योंकि ये चीज को स्टार्ट कर रहा है, एक प्रोसेस मतलब एक थ्योरी बता रहा है कि ऐसा अगर आपके साथ है तो ये कंक्लूजन होता है, ये रिजल्ट होता है ना। तो डी आपका ऑप्शन जो डी है वो पहले आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के इनके साथ अटैच कर सकते हैं, डी के बाद ए आएगा, जैसे कि एक चीज जो आपको पहले से पता है उसकी बात करेंगे, लेकिन फिर भी सेम टाइम पर यह भी सही है, मतलब ये तो चीज जो डी में बोला गया वो सही है ही, इसके साथ ये भी सही है कि आप जब कुछ इस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर खुद वो एबिलिटी आ जाती है कि उस जेनर का, उस कैटेगरी का, उस स्टाइल का स्ट्रक्चर को आप समझ लेते हैं रफली, ठीक है। तो इसके बाद सी आ जाएगा लास्ट में, एसेंस ऑफ सस्पेंस, क्योंकि जब किताब पढ़ते हैं उसके बाद ही आपको लास्ट में सार मिलता है ना, तो सबसे लास्ट में ऑप्शन ये जो बी है सेंटेंस वो बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन बाय मेनी मीन्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स एंड सोशल मीडिया। देखिए बाई मेनी मीन्स ऑफ यहाँ पे गलत है, मीडिया खुद एक माध्यम है ना, मीडिया तो एक माध्यम हो ही गया है ना, इसके ये क्या दिए गए, टेलीविजन, न्यूज, फिल्म, सोशल मीडिया, ये इसके फॉर्म्स हैं, रूप है, अलग अलग कैटेगरी है ना, तो बाई मेनी मीन्स ऑफ मीडिया नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विथ क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर गलत है, विथ अ क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म, फिर इसके बाद ऑफ मीडिया नहीं, सही नहीं होगा, यहाँ पे केवल आपके जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो केवल मेनी मीन्स ऑफ है, केवल मेनी मीन्स है, बाय मेनी मीन्स, सॉरी यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो आपका ये है बाय मेनी मीन्स, इसके जगह पे कौन सा आएगा, विथ अ क्वाइट इनफ मैकेनिज्म ऑफ मीडिया होता तो सही होता, थ्रू अ एनी स्ट्रेटजी, मीडिया के स्ट्रेटजी के द्वारा नहीं, ये गलत है, वाया वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मंग कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, बाई नहीं हो, मंग का कोई मतलब नहीं बनता, तो यहाँ पे हो जाएगा वाया वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के अनेकों फॉर्म के द्वारा, जैसे कि टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फिल्म, सोशल मीडिया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया, देखिए बोनाफाइड आपका सही है, कल्चरल सही है,
सोल्यूशन गलत है, ट्रस्टवर्दी भी सही है। आपका हो जाएगा सोल्यूशन, SOLUTION होता है, सोल्यूशन का मतलब समाधान। ठीक है, चलिए इसके बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब है रियल, जेन्युइन, वास्तविक। ठीक है, कल्चरल, रिलेटेड टू कल्चर, सभ्यता संस्कृति से संबंधित। सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन TION होगा, SION नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा समाधान। ट्रस्टवर्दी यानी ईमानदार व्यक्ति, जिसपे आप निर्भर कर सके, जिसपे आप ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, या उसे सिंसियर, ऑनेस्ट या सिंसियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और इस ये जो ग्रीन कलर का है, समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट, सुमन का पॉकेट जो है किसी ने मार लिया है, यानी कि तो यहाँ पे अब इसको पैसिव वॉइस में बताना है। तो सुमन्स पॉकेट हैज के साथ क्या हो जाएगा, बिन। तो सुमन्स पॉकेट पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर किस किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में है सुमन्स पॉकेट, उसके बाद यहाँ पे हैड है, यहाँ पे केवल बिन है, ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुमन्स पॉकेट हैज बिन पिक्ड। अब देखिए यहाँ पे समवन, यहाँ पे बाई ऑब्जेक्ट के तौर पे समवन पॉकेट क्यों नहीं आया है, समवन्स बाई समवन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे समवन्स पॉकेट, किसी ने पॉकेट चोरी कर लिया, तो सबको पता है कि चोरी का काम कौन करता है, चोर। तो जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में नोन सब्जेक्ट, जिसको सब जानते हैं, तो उसका बार बार यूज करना नहीं होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे चोर को पकड़ा गया, तो चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस, तो बाई द पुलिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में फिल करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय, हैबिचुअल के बदले क्या चीज आ सकता है। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, जब कोई काम कंटिन्यूअसली कोई व्यक्ति करता है, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं हैबिचुअल, तो या कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल, CONTI, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर, जिसमें विदाउट ब्रेक, और कंटिन्यूअल का मतलब इसमें ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हैबिचुअल में भी रिप्लेस्ड बाय कंटिन्यूअल, लगातार इसका भी मतलब होता है ना। स्टेग्नेंट का मतलब कोई स्थिर, जैसे स्टेग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब किसी का बिहेवियर, माइल्ड, मॉडरेट टेम्परेचर और बिहेवियर, माइल्ड टेम्परेचर। ठीक है, होलिस्टिक मतलब होल, कंसीडरिंग द होल, सारी चीजों को लेकर पूर्णता, एक्सहॉस्टिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिल करना है यहाँ पर, द मैच शेड्यूल वाज डिस्टर्ब ड्यू टू डैश रेन्स, डिटेस्टेबल, इंसेसेंट, वल्नरेबल, सूथिंग। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणास्पद, वो कोई चीज जो घृणा प्रकट करे, हेट। डिटेस्टेबल मतलब डिसलाइक और डिजर्विंग, इंटेंस डिसलाइक और हेट, वो चीज जिसके जो हेट को, नफरत को डिजर्व करता है, घृणा, घृणास्पद। इंसेसेंट का मतलब है लगातार, वेनरेबल का मतलब आदरणीय, सम्मान, सम्मानजनक, रिस्पेक्टेड। सूथिंग का मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल। देखिए यहां पे कह रहा है कि मैच का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, किसकी वजह से, इंसेसेंट रेन्स, लगातार बारिश की वजह से, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लगातार बारिश की वजह से जो शेड्यूल था मैच वो गड़बड़ हो गया। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, इसमें आपको पैरा जंबल बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ऑप्शन सेंटेंस ए को।
इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरी, हेंस अ मेट फॉर एन पोंगो बिकेम इनविटेबल। कह रहे कि यह सीरियस इंजरी को लीड कर सकता है, यानी इसकी वजह से सीरियस इंजरी हो सकती थी, क्योंकि अ मेट फॉर एन पोंगो, एन पोंगो का साथी जो है वो इनविटेबल हो चुका था, यानी नेसेसरी तौर पर उसे एक साथी की जरूरत थी, यानी एक साथी होना ही चाहिए। इस इनविटेबल का मतलब जिसे आप टाल नहीं सकते, मैंडेटरी। बी जो है विद इन द स्पेन ऑफ वन ईयर, एक साल के भीतर एन पोंगो ग्रीव डबल द साइज एंड नीड टू ऑब्टेन अ मेट फॉर हिम अराउज फॉर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस अराउंड। कह रहा है कि एक साल के भीतर एन पोंगो जो है दुगने साइज का बड़ा हो गया और जरूरत थी उसे एक मेट की, यानी एक दोस्त की, एक फीमेल या एक मेल दोस्त की, फॉर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमन अराउंड, क्योंकि उसके आसपास के मनुष्यों के लिए यह खतरा हो चुका था, हो बन सकता है, बिकम्स हो जाता है। एवरी afternoon he was brought out onto the lawn to show off his skills in front of his admirers। हर दोपहर के बाद उसको लॉन में लाया जाता था ताकि वो अपने प्रशंसकों के बीच अपने स्किल्स को दिखा सके। Owing to his attractive appearance and disposition, good manners and a well developed sense of humor, in Pongo soon became the darling of the zoo। उसके सुंदर के कारण, attractive appearance and disposition, उसके स्वभाव प्रकृति के कारण, good manner, अच्छे manners के कारण, and well developed sense of humor, और अच्छा एक sense of humor रखने का, यानी मजाक करने का, मस्ती करने का उसके अंदर एक अच्छा सेंस था, इस वजह से एन पोंगो जो है उस जू में काफी पॉपुलर हो गया, सबका चहेता हो गया। देखिए ये 1959 का बात है, एन पोंगो नाम का एक गोरिल्ला था जो काफी छोटा था, बच्चा था, और ये जर्सी क्या बोलते हैं, जर्सी वाइल्ड लाइफ का बात है 1959 का। उस टाइम पे एक जू खुला था, उस जू में एन पोंगो नाम का एक छोटा सा गोरिल्ला था, ठीक है। अब ये जो गोरिल्ला है वो इतना सुंदर था, प्यारा था बिल्कुल देखने में, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे एन पोंगो कौन था, ठीक है, कि वो, और देखिए पहले हम बात करते हैं, मीनिंग में समझा देता हूँ, पहले पता पहले कौन सा आएगा, देखिए पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसी के बारे में बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है कि एन पोंगो कौन था और उसे इतना चहेता क्यों हो गया। तो आपका ऑप्शन जो है वो पहला डी होगा, पहला क्या होगा, डी होगा। तो डी ऑप्शन जब देखेंगे ए और बी में, डी दोनों में, तो डी के बाद क्या ए आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरी, इसकी वजह से एक सीरियस इंजरी हो सकती है, पर इट क्या है इस मैटर को लेकर बोल रहा है, ठीक है, नहीं पता है। तो ए नहीं होगा, डी के बाद आपका सी होगा, जब डी के बाद सी होगा तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या है मतलब, और इसको सीक्वेंस में बैठाते हैं। देखिए उसके सुंदरता के कारण, उसके गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण जो एन पोंगो है उस जू में काफी जल्दी फेमस हो जाता है, और हर दोपहर के बाद उसको बाहर लाया जाता है लॉन में, ताकि लोगों का वो टाइम पास कर सके, एम्यूजमेंट कर सके, इंटरटेन कर सके, ठीक है। अब कह रहे विद इन स्पेन ऑफ वन ईयर, एक साल के भीतर एन पोंगो का साइज दुगना हो गया। अब कोई गोरिल्ला है तो ऑब्वियसली अब जब वो बड़ा हो जाएगा, बच्चा था तो ठीक था, पर वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसके लिए, लोगों के लिए सेफ्टी पर्पस का इशू आ जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि उसके लिए एक मेट की जरूरत है, एक मेट यानी फ्रेंड की जरूरत है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, ताकि उसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, तो जैसे लोगों को खतरा ना हो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बी आपका है हुआ। फिर इसमें कह रहा है कि इट्स द नीड टू ऑब्टेन अ मेट फॉर हिम अराउज, उसके लिए मेट की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जो इसका मेट की जो जरूरत है वो इनविटेबल बन गया, जिसे आप टाल नहीं सकते। तो पहले बी में उसी टॉपिक का बात किया गया, फिर उसी को और इलेबोरेट किया गया ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर आपका डी सी बी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें आपको वन मर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है।
द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के जो विकास का जो इतिहास का जो अध्ययन है, उसके बायोलॉजिकली इवोल्यूशन का, हिस्टोरिकली इवोल्यूशन का, ठीक है, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास के इतिहास का जो अध्ययन है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बायोलॉजी का मतलब आपको पता है जीवन का अध्ययन, बायो का मतलब है जीव और लॉजी का मतलब है स्टडी। उसी तरीके से एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड सब कुछ चीज हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, उन सबका अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स, काव्य संग्रह आप बोल सकते हैं। साइकोलॉजी, मनुष्य के मेंटल स्टेटस का स्टडी, मनुष्य के बिहेवियर का, मेंटल प्रोसेस का, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्लोज टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 to 25। पहले इसको क्या करेंगे, बिना फील किए पढ़ लेंगे। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट। तो आप इसको पढ़ लीजिए बिना फील किए हुए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड है ये, उसके बाद आपको फील करने में आसानी होगी। चलिए तो हम इसको पढ़ेंगे और फील करते चलेंगे। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट डैश ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यह जो किताब है यह क्या करता है? इज प्रोवाइडिंग, हैड प्रोवाइडेड, क्या पहले प्रोवाइड करवा चुका था, अब नहीं करवा रहा है? नहीं, गलत है, अब भी वो करवा रहा है। तो प्रोवाइड्स हो जाएगा, रेगुलरली कोई चीज करवाता है। दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स, यानी स्कूल से पहले जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं गए हैं, घर पे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो बुक है वो काफी राइटिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाता है, लिखने की जो प्रैक्टिस है वो प्रोवाइड करवाता है। टू हेल्प देम, उन्हें मदद करता है लर्न, सीखने में कैसे लिखना है, टू राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने में ये मदद करता है। तो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। तो दिस बुक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोवाइड तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। इज प्रोवाइडिंग, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी कोई काम बिल्कुल एट प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, पर वो जैसे कि कोई काम जो है अमूमन चलते रहता है, तो उसके लिए हम प्रोवाइड से ही यूज करेंगे, हमेशा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये जो बुक है, पुस्तक है, ये बच्चों को जो स्कूल से पहले वाले बच्चे हैं, जो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, उन्हें अल्फाबेट सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 पढ़ते हैं, देखिए। दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट डैश, क्या लिखने में मदद करता है? लेटर, लेटर्स, फ्रेजेस, वर्ड्स, लेटर लिखने में मदद करता है, क्योंकि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, वो शब्द लिखना सीखते हैं शुरू शुरू में, ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, या क ख कैसे लिखते हैं, ये सब लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर, उनको लेटर बोलते हैं अल्फाबेट्स के, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। टू राइट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर्स यहाँ पे लिटरेरी कंपोजिशंस हो जाता है, साहित्यिक काव्य हो जाते हैं, काव्य संग्रह, फ्रेजेज, वर्ड्स, ये नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। और डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रेन इन राइटिंग, जो डायरेक्शनल एरोज बने होते हैं, जो डायरेक्शन दिया गया रहता है, डायरेक्शनल एरो विद द लेटर्स एंड नंबर्स, देखिए, तो ये जो डायरेक्शनल एरो है विद द लेटर्स एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रन, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, सब्जेक्ट है,
है ना। और ये जो वर्ड है गिवेन विद द लेटर्स एंड नंबर, लेटर और नंबर के साथ जो डायरेक्शनल एरो दिया गया, मान के चलो ए के साथ एक एरो दिया गया है ऐसे, है ना, इसको बोल सकते हैं। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसमें गिवेन आता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो डायरेक्शनल एरो गिवेन विद द लेटर्स एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग, बच्चों को लिखने में गाइड करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अब तो 24 पर आते हैं आगे। डैश एंड डैश एक्टिविटीज इनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स टू काउंट। यहाँ पे 4 नंबर में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉपिंग, तो एंड जो होता है एक जैसे शब्दों को जोड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज इनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स टू काउंट। ट्रेस करना मतलब किसी चीज को समझना, पीछा करना, खोजना। तो ट्रेसिंग एंड कॉपिंग, जैसे कोई यहाँ पर ए लिख दिया, ए लिखा हुआ बुक में और यहाँ पे स्पेस छोड़ा, तो बच्चे क्या करना है इसको केवल लिखना है ऐसे, है ना। तो कॉपिंग ये हो गया, ऐसे लिख लिख के सीखते हैं हम लोग भी, ऐसे ही सीखे होंगे। तो ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज इनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स डैश टू काउंट। तो कह रहे कि ट्रेस करना और कॉपी करने की जो एक्टिविटी है बच्चों को इनकरेज करता है पढ़ना लिखना एंड नंबर एज वेल एज टू काउंट, सेम पैरेलली चीजें जो हो रही हैं उसके लिए। जैसे बट यहाँ पे आता तो बिल्कुल इसके अपोजिट चीजें होती ना, बट एट फॉर, देखिए यहाँ पे फॉर है फिर टू भी हो जाएगा ये नहीं चलेगा। बट का मतलब देखिए यहाँ पर अपोजिट चीज नहीं है, सेम चीजों को बता रहा है कि एज वेल एज, मतलब लिखना पढ़ने के साथ साथ काउंट करना भी सीखते हैं, कैसे, ट्रेस करके या कॉपी करके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलो दोस्तों ये 30 नंबर सेट समाप्त होता है, चलिए मिलते हैं नए सेट में, तब तक देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए। और अभी आपका MTS और CGL दोनों का एग्जाम होने वाला है और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।